हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज़। आज हमारा क्लास 5 है ऑफ 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इससे पहले जो हमने 40 रूल्स किया है, कैसे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। रियली सॉरी, पिछले कुछ दिन मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट अभी आपकी क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं आपके, जिसमें हम 100 रूल्स कंप्लीट कर रहे हैं, वो प्रॉपरली हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल से, रूल नंबर 41। ठीक है, आज की क्लास में मैं पहले आपको ओवरव्यू दे दूँगी, जितने भी रूल्स करवाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं सारे के सारे, और इन जनरल भी आपके काम आएंगे, एज वेल एज आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इन रूल्स को प्रैक्टिकली भी यूज़ करना, अगर आप वर्ड्स को यूज़ करने में कोई गलती करते हो तो आगे से आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 41 इज़ अबाउट द यूजेज ऑफ अपोस्ट्रफी एस। हम काफ़ी वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रफी एस लगाते हैं, किसी भी नाम के साथ, जनरली किसी नाउन के साथ हम अपोस्ट्रफी एस लगाते हैं, तो ये रूल है उसकी करेक्ट यूजेज के साथ। ठीक है, अब देखो अपोस्ट्रफी एस, पहले तो ये समझें कि क्यों लगाते हैं, वाई डू वी यूज़ दिस, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, पहले हम ये सीखेंगे। तो देखो अपोस्ट्रफी एस जो होता है, सबको पता है इस तरीके से लिखा जाता है, किसी नाम के साथ सिंबल ऑफ अपोस्ट्रफी और एस लगाया जाता है, राइट। ये क्या बताता है? ये बताता है उस वर्ड का या उस नाउन का पोजेशन किसी अनदर नाउन के ऊपर। ठीक है, और पोजेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि पोजेशन क्या बताता है, ओनरशिप, कि जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे क्या करती है, या कोई एक पर्सन किसी चीज़ पे या किसी और पर्सन पे अपना पोजीशन बताता है, अपनी ऑनरशिप बताता है, अपना हक बताता है, उसके लिए उस नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। एक क्लास में मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया था जो पोजेसिव होते हैं, जैसे माय, योर, हिज, हर, इसका, उसका, मेरा, ये सारे वर्ड्स हैं ना। तो इसी तरीके से जब एक नाम के साथ हमने पोजीशन बताना, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलना हो तान्या की बुक, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँगी, तान्याज बुक, अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगी तान्या के नाम के साथ, है ना। तो जब हम किसी नाम का हक दूसरे नाम पे बताते हैं उसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुझे बोलना हो राम की कार, मैं कैसे बोलूँगी, राम अपोस्ट्रोफी एस कार, राइट, राम्स कार। अब ये अपोस्ट्रोफी क्या बता रहा है, कि राम का पोजेशन इस कार पर है। सिंपल, सबको समझ में आया। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाता विद नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो नाउन या जो नेम्स नॉन लिविंग थिंग्स के हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। लेकिन क्यों नहीं लगाएंगे, देयर मस्ट बी अ रीज़न। तो रीज़न ये है, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा अभी आपके लिए, राम्स कार मतलब राम की कार, राम तो एक पर्सन है, वो कार के ऊपर अपना हक जता सकता है, तो वी कैन से राम्स कार। लेकिन क्या कार राम पर अपना हक जता सकती है, क्या हम बोल सकते हैं कि कार का राम, क्या हम बोलेंगे कार्स राम, कार का राम, नहीं ना, क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग या फिर जो नॉन लिविंग नेम है वो पोजेशन नहीं बता सकता किसी और नाउन पे, इसीलिए हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस इन जनरल नहीं लगाते। वी कैन नेवर से कार्स राम, हम नहीं कह सकते ऐसा। तो जब नॉन लिविंग थिंग का हमें पोजेशन बताना हो किसी चीज़ के लिए, तो हम उस नॉन लिविंग नेम के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, टू शो द रिलेशन, टू शो द पोजेशन। ऑफ जो प्रपोजिशन होता है वो रिलेशन बताता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, तो उसके साथ हम ऑफ ऑफ लगाते हैं। तो इसे हम करेक्ट वे में कैसे लिखेंगे, कार ऑफ राम। ठीक है, तो इस तरीके से कहा गया है कि अपोस्ट्रोफी के साथ हम लोग, सॉरी नॉन लिविंग्स के साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या लिखी है, टेबल्स लेग, टेबल की टांग, गलत, अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। हाउ विल वी से लेग्स ऑफ टेबल, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, पेन्स इंक, रॉन्ग, इंक ऑफ पेन, तो ये हमें कब करना है, जब नॉन लिविंग नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा। ये हो गया जनरल पॉइंट। अब देखो इंग्लिश जो है बड़ी एक फ़नी सी लैंग्वेज है, हंड्रेड्स ऑफ रूल्स के साथ एटलीस्ट 80 एक्सेप्शंस तो आपको मिल ही जाएंगी, है ना। तो इसका भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है।
अब वो एक्सेप्शन क्या है देखो, क्या कहता है, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम वेट डिस्टेंस प्लेस इडियम यूनिट पर्सोनिफिकेशन ऑन हेवनली बॉडीज वी कैन यूज अपोस्ट्रोफी एस विद देम। जब हम टाइम की बात करें, हम वेट डिफाइनिंग वर्ड्स की बात करें, हम डिस्टेंस बताने वाले वर्ड्स की बात करें जैसे किलोमीटर मीटर है ना, क्वांटिटी जैसे लीटर, ये सब बताने वाले वर्ड्स की बात करें तो है तो ये लिविंग नहीं है ना, जनरल वर्ड्स एंड लिविंग तो है नहीं, पर्सन तो है नहीं, फिर भी हम इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जब हम हेवनली बॉडीज़ की बात करें, सबको पता है हेवनली बॉडीज़ क्या आ गया, आपके प्लैनेट्स एंड ऑल है ना, जितनी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे सन हो गया, मून हो गया, किसी भी अदर प्लैनेट का नाम आप लोग ले लो, तो ये सब के साथ भी आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को एक सेंटेंस में ऐसे नरेट किया गया है कि जैसे कि वो लिविंग हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं सन्स रेज आर ब्यूटीफुल, तो सन की जो किरणें हैं, सन इज नॉन लिविंग, एक हेवनली बॉडी भी है, तो ये हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। उसकी किरणें जो है वो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एक क्वालिटी एक पर्सन के लिए कही जाती है, तो मतलब हमने उसको पर्सोनिफाई किया, मतलब उसमें किसी ऐसी क्वालिटी या ऐसी चीज़ की बात की जो क्या है लिविंग में होती है, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो इन दीज केसेस व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अपोस्ट्रोफी एस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए, अगर आपको विजिबल नहीं है तो एक हफ्ते की छुट्टी हम बोल सकते हैं वन वीक्स वेकेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला टाइम दिया है, डे दिया है, उसके साथ आप लोग क्या लगा सकते हो, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। नेक्स्ट फोर, क्या लिखा है यहाँ पर, डॉलर्स वर्थ, फोर डॉलर का वर्थ। तो यहाँ पे डॉलर एक करेंसी रिप्रेजेंटिंग वर्ड है ना, अमाउंट बता रहा है, तो यहाँ पर भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के साथ येस यू कैन यूज़ अपोस्ट्रोफी एस, अदरवाइज इन जनरल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप लोग अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हो। सो दिस इज़ योर रूल नंबर वन फॉर टुडेज क्लास। चलो ये हो गया आपका पॉइंट वन, तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ योर रूल नंबर 42? इट इज़ एक्चुअली एक्सप्रेसिंग द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ईच और एवरी के यूजेस पे हमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एरर्स आते हैं, और ईच और एवरी के यूजेस में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं क्योंकि दे फाइंड इट वेरी कन्फ्यूजिंग कि ये प्लूरल है सिंगुलर है, यहाँ तो ज़्यादा लोगों की बात की है तो हाउ कैन वर्ब बी सिंगुलर। तो ये डिफरेंस आज हम लोग क्लियर करेंगे, ईच और एवरी। पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने दो डिफरेंसेस लिखे हैं, पहले हम पहला समझेंगे। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। देखो क्या बोला है कि ये जो ईच एंड एवरी का हम लोग यूज़ करते हैं ये हमेशा ही फॉलो किए जाते हैं बाय अ सिंगुलर वर्ब। बट वाई ईच, तो मतलब ज़्यादा में से कुछ लोगों की बात करेगा, या एवरी तो सबकी एक साथ बात करता, तो ये हमेशा मतलब हम कह सकते हैं कि प्लूरल नाउन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा तो वाई वर्ब इज़ सिंगुलर, ये चीज़ हमको समझनी है। पहला पॉइंट आप लोग याद रखो कि इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर, बट क्यों, क्योंकि जब मैं बोलूं ईच ऑफ द बॉयज, लेट्स से इफ आई से ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज और आर रीडिंग। अब आप लोग मुझे बोलो कि यहाँ पर क्या आएगा, ईच ऑफ द बॉयज इज रीडिंग और ईच ऑफ द बॉयज आर रीडिंग। मोस्ट ऑफ यू विल आंसर कि यहाँ पर तो आर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है बॉयज़ है, तो आप लोग बोलोगे आर आना चाहिए, लेकिन आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज़ आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज़ बोला है, ईच का मतलब होता है ज़्यादा में से हर एक, ईच ऑफ द बॉयज़ मतलब हर एक लड़का, उनमें से एक एक लड़के की एट अ टाइम बात हो रही है, तो ईच का मतलब ज़्यादा में से एट अ टाइम एक एक, तो इसीलिए हम वर्ब को क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे, डन। और जब हम एवरी की बात करते हैं, लेट्स से इफ आई से एवरी बॉय इज रीडिंग, हर लड़का पढ़ रहा है, तो एवरी सारे बॉयज़ की एक साथ बात करता है, उनको एज अ यूनिट लेके बात करता है, इसीलिए हम एवरी के साथ भी वर्ब कैसी रखते हैं, सिंगुलर रखते हैं। तो ईच और एवरी जब भी यूज़ हो रहे हैं वर्ब इज़ सिंगुलर। Clear to everyone? This is difference number one. Now difference number two. क्या है? Every is used with abstract nouns. हम each का use abstract nouns के साथ नहीं कर सकते, but every का use कर सकते हैं। ठीक है? अब आप में से कुछ लोगों का question ये आएगा कि मैम ये abstract noun क्या होता है? ये कौन से nouns होते हैं? Noun का मतलब तो पता है ना सबको? Noun का मतलब name.
तो ये एब्स्ट्रैक्ट नेम्स कौन से होते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम उन नाम को बोलते हैं या उन नाउन्स को बोलते हैं जो क्या होते हैं, जो काइंड ऑफ मतलब हम देख नहीं सकते, ठीक है, विच आर नॉट फिजिकल, मटीरियलिस्टिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, हम देख नहीं सकते, सिर्फ उन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस क्या है, एक तरह की कैपेबिलिटी है जिसे आप एक पर्सन में महसूस कर सकते हो, बट आप इंटेलिजेंस चीज़ को एक्चुअली देख सकते हो, हाँ आप उसके एक्शंस के थ्रू देख सकते हो, वो उस पर्सन के एक्शंस है, बट इंटेलिजेंस क्या चीज़ है ये आपको नहीं दिखती, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या आपको ईमानदारी दिखती है कि ईमानदारी क्या चीज़ है? क्या ये कोई फिजिकल चीज़ है? नहीं, हम इसको एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं बट इट इज़ नॉट फिजिकल। तो ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, स्ट्रांगनेस, वीकनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर एक्चुअली वॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मतलब ये फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले, किसी स्टेट कंडीशंस को एक्सप्रेस करने वाले जो नाम होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ ईच नहीं लगता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ एवरी लगता है। तो कभी सेंटेंस में ईच दिया हो तो मतलब आपका एरर वहीं पर है। देखो क्या बोला है, दे हैव एवरी रीजन टू बी सैटिस्फाइड। रीज़न मतलब कारण किसी चीज़ का, अब ये कारण क्या कोई फिजिकल चीज़ है, कोई बॉक्स है, कोई चेयर है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है? नहीं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ईच रीज़न नहीं होना चाहिए, एवरी रीज़न होना चाहिए। एवरी वीकनेस इज़ नोटिस्ड, वीकनेस मतलब कमज़ोरी। अब क्या ये कमज़ोरी कोई चीज़ फिजिकल है? हाँ, किसी पर्सन में ये हो सकती है, उसके एक्शंस के थ्रू हमें दिख सकती है, बट इट इज़ नॉट समथिंग फिजिकल जो हमें दिख सके, किसी पेन की तरह, किसी बोर्ड की तरह ये फिजिकल नहीं है। तो एवरी वीकनेस ईच वीकनेस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी स्किल इज प्रीशियस, अगेन स्किल इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके साथ एवरी लगेगा, ईच नहीं लगेगा। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। आई गेस सबको क्लियर है। तो रूल नंबर 3 पे आएंगे, 43 रूल नंबर। नेक्स्ट रूल में हम लोग कर रहे हैं ए और एन का डिफरेंस। अब बोलोगे ये तो सबको पता है, आप क्यों करवा रहे हो ये हमें? तो देखो, ए और एन का एक्चुअल यूजेज तो सबको पता है कि हाँ, एन हम लगाते हैं विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड, है ना, और ए हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स के साथ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी एक्सेप्शंस भी होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं, तो वो एक्सेप्शंस हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और एक्चुअल डिफरेंस भी कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम एक्चुअल डिफरेंस सीखेंगे और उसके बेसिस पर ये एक्सेप्शंस कैसे आती हैं वो देखेंगे। देखो, बेसिक चीज़ समझाऊँ, ए और एन क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब ए किसके साथ लगता है? वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट होते हैं। याद रखना, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नहीं, कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ ए लगता है। और वो वर्ड्स जो वॉवल की साउंड से स्टार्ट होते हैं, वॉवल से स्टार्ट नहीं होते, वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं आपके जो आप इंग्लिश में लेटर्स पढ़ते हो, ए बी सी डी, उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल कहलाते हैं ये 5। इसके अलावा जो 21 बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, इस साउंड से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम लोग एन लगाते हैं, और ए और एन इट्स वेरी ऑब्वियस कि सिंगुलर नाउन्स के साथ लगते हैं, और ए किसके साथ लगता है? कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ, ठीक है। इतना हमको समझ आ गया। तो अब जो एक्सेप्शंस हैं वो हम इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या बोला है? यूजिंग ए एंड एन बिफोर एक्रोनम्स। एक्रोनम से पहले ए और एन कब, कहाँ, कैसे लगाया जाता है? अब एक्रोनम्स क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ MBA, ठीक है, मैं बोलूँ ही इज ए और एन MBA, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैम यहाँ पर ए MBA आना चाहिए, क्योंकि M है, M तो एक कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पर ए आना चाहिए। लेकिन यही आप गलती करते हो, यहाँ पर क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, क्योंकि वर्ड तो कॉन्सोनेंट है, आपका जो लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन ये साउंड कैसी दे रहा है? अ की, लाइक एम साउंड, वॉवल साउंड दे रहा है। तो हमें साउंड नोटिस करनी है, ना कि एक्चुअल लेटर को नोटिस करना है कि वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो एन MBA। सिमिलरली GRE, G की साउंड दे रहा तो A ही लगेगा।
NFL, N की साउंड दे रहा, अ एन वोवल साउंड, एन एम एन एफ एल, अ डी ओ जी तो डी की साउंड दे रहा, डी इज कॉन्सोनेंट तो अ लगेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपके एक्रोनिम। जिसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप मैं बोलूँ एफ आई आर, तो ए एफ आई आर बोलोगे या एन एफ आई आर बोलोगे, तो आप एन बोलोगे क्योंकि अ साउंड से शुरू होता है एफ, है ना। एस आई तो ए एस आई या एन एस आई, एन एस आई लगेगा क्योंकि एस जो है वो इस साउंड से शुरू होता है, वॉवल साउंड से, अ ई ऐसी साउंड से शुरू होता है। तो ये हो गया आपका यूजेज ऑफ एन एन अकॉर्डिंग टू द एक्रोनिम्स। नेक्स्ट एच साउंड, जब एच की साउंड एच नहीं होती है, अ होती है, ठीक है। यानी कि हम बोलते हैं कुछ वर्ड्स में एच साइलेंट होता है, हम ऐसा भी बोलते हैं, और वो अ की साउंड देता है, ओ की साउंड देता है, तो वहाँ पर वोवल साउंड आ जाती है। तो उनके साथ भी हम लोग ए नहीं लगाते, एन लगाते, क्योंकि एच हम कह सकते हैं साउंड साइलेंट है। जैसे कि ऑनर है ना, एन ऑनर, आयर, आवर ग्लास, देन हम लोग बोल सकते हैं ऑनेस्ट मैन, है ना। तो एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एच साइलेंट बोल सकते हैं या ए एच साउंड हमें वो देता है, तो वहाँ पर भी हम लोग वॉवल का यूज़ करते हैं। ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। एक और डिफरेंस है, मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन, वर्ड्स दैट मेक यू साउंड। अब यहाँ देखो, फर्स्ट वर्ड ए ए ए हटा दो, ये किससे शुरू हो रहा है, ई से, एक वॉवल है, यू से वॉवल है, यू वॉवल है, ई वॉवल है, लेकिन स्टिल हमने इन वर्ड्स के साथ क्या लगाया है, ए लगाया है। स्टार्ट तो वोवल से हो रहा है, ए क्यों लगाया, क्योंकि ये य साउंड दे रहा है, यू साउंड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये वाई का साउंड दे रहा है, वाई कॉन्सोनेंट है। जैसे कि मैं बोलूँ यूरोपियन लेडी, लेट्स से यूरोपियन लेडी, तो यूरोपियन किसकी साउंड दे रहा है, यू की साउंड, ना कि ऊ की साउंड। ऊ की साउंड इज वोवल, लेकिन यू की साउंड इज नॉट वोवल, तो अ यूरोपियन लेडी। अ यूनियन, अ यू आर एल, यूनिकॉर्न, यूलॉजी, है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, ये सारे वर्ड्स जो हैं जहाँ पे हमें यू जो होता है, ये वाला जो यू होता है या ई यू होता है, ये हमें किसकी साउंड देता है, य की साउंड, ये वाली साउंड हमें देता है, तो इसके साथ भी हम लोग ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते। इन शॉर्ट आप लोगों को मेजर डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि वोवल या कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, वोवल और कॉन्सोनेंट की साउंड देखनी है, अकॉर्डिंगली हमें ए और एन का यूज़ करना है, ठीक। ये हो गया आपका रूल नंबर 43। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल नंबर 44। रूल नंबर 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी और मच का यूज़ हमें यहाँ पर सीखना है। देखो, अक्सर हम लोग बातचीत करते वक्त वेरी यूज़ करते हैं, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना, शी इज़ मच मोर ब्यूटीफुल दैन यू, ऐसा करके हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पर वेरी और मच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों वर्ड्स ही क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, वो बहुत सुंदर है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ मच मोर ब्यूटीफुल, है ना। तो हमने वेरी भी लगा सकते हैं, मच भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्वांटिटी बताने के लिए, बहुत बताने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, तो देर मस्ट बी अ डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो हम देख रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने तीन तीन पॉइंट्स लिख रखे हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो वेरी और मच कब कहाँ कैसे हमें यूज़ करना है, तो वेरी और मच जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ लगा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट करवा रही हूँ, जब हम किसी एडजेक्टिव के साथ लगा रहे हैं, एडजेक्टिव का मतलब हमें कोई क्वालिटी बतानी है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा है ऐसा करके, या बहुत है, तो एडजेक्टिव की अगर हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं तो हम वेरी लगाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। नहीं समझ आता तो बेसिक लेक्चर्स का प्लेलिस्ट भी आपके पास अटैच्ड है, प्लस प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया भी हुआ है, वहाँ से देखो, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी, और अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में प्रेस करना है या कोई क्वालिटी या कोई एडजेक्टिव डिफाइन करना है तो हम मच लगाएंगे। लेकिन कैसे, हमें कोई एग्जांपल्स भी देखनी पड़ेंगी, तो एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज वेरी और मच स्मार्ट, ठीक है, दिस इज योर सेंटेंस नंबर वन। And sentence number टू, she is very or much smarter than her sister.
अब आप लोग रीड करोगे तो आप लोग वहीं से समझ जाओगे कि किस सेंटेंस में क्या आना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव है वो है, एडजेक्टिव है वो है स्मार्ट, यानी कि पॉजिटिव डिग्री। क्या लगेगा? शी इज़ वेरी स्मार्ट। सेकेंड सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि स्मार्टर। तो यहाँ पे क्या लगेगा? मच। शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ मच स्मार्टर दैन हर सिस्टर। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। ऑल राइट, समझ आ गया सबको फर्स्ट डिफरेंस। तो सेकेंड डिफरेंस पे आ जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि जब हम वर्ब के साथ वेरी या मच का यूज़ करना है तो वर्ब अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आई एन जी लगता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और मच लगेगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगाना है तो हम मच लगाएंगे। कैसे? दिस बुक इज वेरी और मच इंटरेस्टिंग। दिस इज सेंटेंस नंबर वन। सेंटेंस नंबर टू, I am very or much interested in this book. तो यहाँ पर बताओ कहाँ very लगेगा, कहाँ much? फर्स्ट में क्या है? दिस बुक इज डैश इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट के साथ आई एन जी लगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज डैश आई एम डैश इंटरेस्टेड इन द बुक। इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लगेगा? मच। आई एम मच इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो वही डिफरेंस है, वेरी और मच अकॉर्डिंगली आपने वर्ब के साथ यूज़ करना है। आगे बढ़ेंगे, देर इज़ वन मोर डिफरेंस, सुपरलेटिव डिग्री। वेरी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ लग सकता है, मच भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ लग सकता है, लेकिन कैसे लगेगा? सिर्फ लिखने का फ़र्क होता है। हमें इतना तो पता है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है। द स्मार्टेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसा करके हमें पता तो है ना कि हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। तो द के साथ वेरी और मच को कहाँ एडजस्ट करना है, यही सिर्फ लिखने का तरीका है। तो जब हम वेरी यूज़ करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? लेट्स से द वेरी और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। जैसे द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, पूरा सेंटेंस ही लिख लेते हैं। ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। द लगा, बेस्ट लगा और इनके बीच में वेरी लगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जब हम मच की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे? ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, द बेस्ट बाद में आएगा, मच द से पहले आया। तो डिफरेंस क्या है सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाने का? वेरी द के बाद में आएगा और मच द से पहले आएगा। ये डिफरेंस है, लग दोनों ही सकते हैं। ऑल राइट, सो ये है एक्चुअल डिफरेंस, वेरी और मच को हमें कैसे यूज़ करना है। ये सबको क्लियर हो गया? तो हम लोग सीधा के सीधा नेक्स्ट रूल पर जाएंगे, रूल नंबर 45। ये भी इम्पॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन काफ़ी बार होता है आप लोगों को इसमें। किस पर रूल है? कलेक्टिव नाउंस पर। कलेक्टिव नाउंस क्या होते हैं पहले तो ये समझेंगे, और रूल क्या है, कलेक्टिव नाउंस सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर कलेक्टिव नाउंस। तो कलेक्टिव नाउंस क्या होते हैं? जब एक ग्रुप को, ठीक है, किसी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, किसी सिमिलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम एक नाम दे देते हैं तो उस ग्रुप के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास। अब क्लास किसी एक स्टूडेंट से तो नहीं बनती है, एक से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स होंगे तो क्लास बनेगी। और उन स्टूडेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सबको पढ़ाई करनी है, है ना? तो जो ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स का उसको हमने एक सिंगल कलेक्टिव नाउन दे दिया, क्या हो गया? क्लास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीम। टीम
टीम किसी एक प्लेयर से बनती है? नहीं, नंबर ऑफ प्लेयर्स से बनती है। तो जब वो प्लेयर्स हैं, सबको एक ही काम करना है, किसी जिस भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम है तो सबको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल टीम है तो सबको फुटबॉल खेलना है ना, तो सबको सिमिलर टास्क करना है, तो उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया टीम। फैमिली, फैमिली क्या है? ऐसे लोग, ऐसे पर्सन्स का ग्रुप जिनका आपस में ब्लड रिलेशन है, तो सब में ये सिमिलैरिटी है तो उसको हमने नाम दे दिया फैमिली। तो ऐसे ही जब हम नंबर ऑफ़ पीपल को, नंबर ऑफ़ थिंग्स को, या नंबर ऑफ हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को, जब हम एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को हम कोई नाम दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको कभी कभी सिंगुलर भी कंसीडर किया जाता है, मतलब उस कलेक्टिव नाउन के नेम के साथ, उस कलेक्टिव नाउन के साथ हम वर्ब सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट कि सेंटेंस में उसको कैसे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से पढ़ो, यूज़ अ सिंगुलर वर्ब व्हेन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्टिंग टुगेदर एज अ यूनिट। जब एक ग्रुप के मेंबर्स या फिर जो एक कलेक्टिव नाउन है वो एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है एक सेंटेंस में, तो उस वक्त हम उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, उसको एक ही यूनिट मांगेंगे। अब वो ग्रुप कलेक्टिवली कैसे बिहेव कर रहा है, उसके कलेक्टिवली बिहेव करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल टीम है, तो टीम का क्या काम है कि टीम के प्लेयर्स जो हैं सबको खेलना है, तो वो एज अ यूनिट ही होगा। ठीक है, टीचर्स हैं, टीचर्स का ग्रुप लेट्स से स्टाफ, तो स्टाफ का क्या काम है, टीचिंग करना है ना, जो स्टाफ के काम होते हैं, तो वो हो गया एक यूनिट। तो जब एक ग्रुप वही टास्क कर रहा है जिस टास्क के लिए वो ग्रुप बनाया गया है, जिस टास्क का वो कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी, द फैमिली इज़ ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री दिस समर। फैमिली की बात की है और फैमिली एक ग्रुप है और साथ में कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। इज़ कपल ईट्स आउट वंस अ मंथ, कपल सिंगुलर लिया क्योंकि कपल साथ में कोई काम कर रहा है तो उसको हम सिंगुलर लेके चलेंगे। ज्यूरी हैज़ रीच्ड अ डिसीजन, ज्यूरी का क्या काम होता है, जजमेंट करना, डिसीजन लेना, ज्यूरी ने अपना काम कर दिया, एक साथ मिलके किया, सिंगुलर वर्ब। तो जब भी हम किसी ग्रुप का ऐसा टास्क बताते हैं कि सबने एज अ यूनिट कोई काम किया, तो उसको हम लोग सिंगुलर लेते हैं। अब इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है कि जब जो ग्रुप है नॉट बिहेविंग एज अ यूनिट, कोई भी ग्रुप जो है वो एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है, सेपरेटली काम कर रहा है, या उसमें किसी डिवीजन की, सेपरेशन की बात की गई है, उस सेंटेंस का कंटेक्स्ट ऐसा है, उस वक्त हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ज्यूरी वाली एग्जांपल है, ज्यूरी हैज़ रीच्ड अ डिसीजन। अब मैं ऐसा लिख दूँ, द ज्यूरी हैज और हैव सेपरेटेड इन देयर डिसीजन। अब ज्यूरी जो है वो अपने डिसीजन में अलग अलग हो गई, मतलब उन्होंने एज अ यूनिट एक डिसीजन नहीं दिया। अब यहाँ पे तो हैज था, लेकिन यहाँ पे हैव लगाएंगे क्योंकि जो टास्क है वो यूनिट की तरह नहीं हुआ, तो ज्यूरी के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कुछ काम कर रहे हैं, तो वो प्लूरल हो गया। ठीक है, तो बस इतना सेंस याद रखना है कि जब यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है ग्रुप तो वो सिंगुलर है, यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है, मेंबर्स की अलग अलग बात की गई है, तो वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेगा। ऑलराइट, तो यही डिफरेंस होता है। आगे बढ़ जाते हैं, रूल नंबर 46 देखते हैं फटाफट। तो रूल नंबर 46 क्या कहता है कि ये जो फॉलोइंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स आपको दिए हैं, जैसे और, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट लगता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब वर्ब से पहले जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ रहा है। देखो, ऐसा एक रूल मैंने आपको पहले भी क्लास में करवाया था जिसमें एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, ऐसे वर्ड्स के साथ बताया था। तो मैंने बोला था जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर जो मैं आपको फॉर्मेट करवा रही हूँ इसमें सेकेंड वन के अकॉर्डिंग, कैसे, देखो क्या बोला है, नॉट ओनली द टीचर्स, ये क्या है आपका सब्जेक्ट वन, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट टू, इज और आर हैप्पी। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट टू जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अब टीचर्स प्लूरल है, प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो हमने सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, तो हम इज लगाएंगे, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल इज हैप्पी। सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस, नीदर द लाइन सब्जेक्ट वन नॉर द बियर्स सब्जेक्ट टू हैज़ और हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू।
सब्जेक्ट वन सिंगुलर है, सब्जेक्ट टू बियर्स प्लूरल है, तो हमने किसके अकॉर्डिंग देखना है, नियरेस्ट वन यानी कि सब्जेक्ट टू, ये प्लूरल है तो यहाँ पर हैव लगेगा, ठीक। नियरेस्ट यानी कि जो बाद में आता है वर्ब के पहले, नियरेस्ट होता है, सब्जेक्ट टू कंसीडर करके चलो। ऑलराइट, तो ये था आपका रूल 47th रूल, देखिए जल्दी से क्या है 47th रूल। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 फोर सेंटेंस फॉर्मेट्स दिए हैं कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी डिफाइनिंग वर्ड्स को यूज़ करके, बस हमें वही देखने हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो देखना है। पहला बोला है अगर सेंटेंस शुरू होता है मोर देन वन से, ठीक है, मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन टेबल, मोर देन वन वॉट एवर, तो उसके साथ जो नाउन है, नाउन या इसके जिसके बारे में भी वो मोर देन वन बोल रहे हैं वो सिंगुलर, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसे यहाँ पर देखो मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट, मोर देन वन नाउन कैसा आया सिंगुलर, नाउन के साथ वर्ब कैसी आई सिंगुलर, तो ये सेंटेंस हो गया सही, राइट। नेक्स्ट मैनी और सिंग, मैनी ए भी क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, जैसे मैनी बताता है ना कि काफ़ी, वैसे ही मैनी ए भी क्वांटिटी बताता है। तो जब मैनी ए सेंटेंस में लगा है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे देखो क्या बोला है मैनी ए स्टूडेंट इज, स्टूडेंट भी सिंगुलर इज भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर लगेंगे, मैनी ए के साथ भी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगता है और मोर देन वन के साथ भी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगता है। नेक्स्ट अ ग्रेट मैनी और गुड मैनी, जब आपको अ ग्रेट मैनी दिया है प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अ गुड मैनी दिया है प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, या तो अकेला मैनी दिया है तो भी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे यहाँ देख लो अ ग्रेट मैनी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे, या फिर ग्रेट मैनी की जगह मैं ऐसा लिख दूँ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे, तो भी स्टूडेंट्स आर मतलब प्लूरल फॉर्म में लगेगा, ठीक है। तो ये चार सेंटेंस फॉर्मेट आप ध्यान से देख लीजिएगा, टेक अ स्क्रीन शॉट और नोट इट डाउन ताकि आपको याद रहे। ऑलराइट, याद करने का तरीका वन है ए है, दोनों ही क्या बता रहे हैं सिंगुलर सिंगुलर, तो सिंगुलर लगेंगे, मैनी मैनी है, मैनी मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो प्लूरल प्लूरल लगेगा, ठीक है। अब ये 48, 49 और 50, ये जो तीन रूल्स मैं आपको करवा रही हूँ, दीज आर फ्रॉम सुपर फ्लॉस सेंटेंसेस। अब सुपर फ्लॉस सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, सुपर फ्लॉस सेंटेंसेस का मतलब होता है, या सुपर फ्लॉस एरर्स जो हमें सेंटेंस में आते हैं उसका मतलब ये होता है कि जब हम एक सेंटेंस में ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटर्न बोला और बैक बोला, रिटर्न का मतलब वापस, बैक का मतलब वापस, तो दोनों वर्ड्स का एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ क्या है, दोनों में से मैं कोई एक ही यूज़ करूँगी। तो हम जब एक से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं एक सेंटेंस में जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम है, तो सेंटेंस में थोड़ा ओवर वर्ड्स हो जाते हैं, है ना, वर्ड्स थोड़े ओवर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपर फ्लॉस एरर्स इन द सेंटेंसेस। जब ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाए जिनका मतलब एक ही है, तो वैसे कैसे एरर्स होते हैं वो अभी आपको नेक्स्ट रूल्स में मैं बताने वाली हूँ। तो 48 रूल देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी बार पूछा भी जाता है इसमें से। ये जो वर्ड्स आपको दिए हैं रिसीड, रिटर्न, रिट्रैक्ट, रिट्रीट, विड्रॉ, रिकॉल, रीइंबर्स, इन वर्ड्स के साथ अगर आपको सेंटेंस में बैक दिखे तो वो सेंटेंस गलत होगा, सुपर फ्लॉस होगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न, रिट्रैक्ट, रिट्रीट, इन सब का मतलब क्या होता है, वापस होना, ठीक है, जो भी एक्शन के बारे में बात हो रही है वो वापस होना है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ जो वापस आने की बात कर रहे हैं और बैक का मतलब भी वापस होता है, पीछे मुड़ना होता है, तो उनके साथ हम बैक नहीं लगाते, दोनों में से कोई एक ही लगेगा और अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा। जैसे यहाँ देखो सेंटेंस लिखा है ही डिड नॉट रिटर्न बैक माई वॉच, उसने मुझे मेरी घड़ी वापस नहीं की, तो रिटर्न आएगा या बैक आएगा, यहाँ पर सिर्फ रिटर्न की ज़रूरत है, बैक इसके साथ ज़रूरी नहीं है। वी कैन सिंपली से ही डिड नॉट रिटर्न माई वॉच, बस बैक की ज़रूरत नहीं है, ओवर हो जाता है सेंटेंस, सुपर फ्लॉस हो जाता है। नेक्स्ट द वाटर ऑफ द रिवर रिसीडेड बैक आफ्टर द फ्लड, रिसीड करने का मतलब क्या होता है, वापस अपनी जगह पे आना या फिर कम हो जाना, ठीक है, रिसीडेड बैक की ज़रूरत हमें नहीं है, रिसीडेड का मतलब ही है कम हो जाना या वापस हो जाना, तो बैक हम इसके साथ क्यों लगा रहे हैं, तो नहीं ज़रूरत है, बस यही पॉइंट है। इन वर्ड्स के साथ ये जो री 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 है ना, मतलब वापस होने की बात करते हैं, इनके साथ हम लोग बैक नहीं लगाते। ऑल राइट, ये है आपका रूल नंबर 48, तो ये वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रूल सिमिलर है रूल नंबर 49। अगेन यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं लाइक रिपीट, रिकैपिचुलेट, रिकॉल, रिबॉर्न, रिबिल्ट, जिनका मतलब क्या होता है, दोबारा होना, ठीक है, जिनका मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, अगेन
वापस से कुछ होना, तो इन वर्ड्स के साथ हम लोग अगेन नहीं लगाते क्योंकि इनका मतलब ही ऐसा होता है। जब एक जैसे दो वर्ड्स लगा रहे हैं तो ज़रूरत ही क्या है सेंटेंस में, राइट? देखो सेंटेंस में क्या लिखा है, आई रिकैपिचुलेटेड द लेसन्स अगेन बिफोर टेकिंग द एग्ज़ाम। आई रिकैपिचुलेटेड का मतलब ये है कि दोबारा से पढ़े मैंने, है ना, तो यहाँ पर अगेन की ज़रूरत मुझे नहीं है। राम वॉज रीबॉर्न अगेन, रीबॉर्न का मतलब ही है वापस जन्म लिया, तो रीबॉर्न अगेन क्यों बोलें, अगेन यहाँ पर हट जाएगा। तो ये सेंटेंसेस में हमें क्या करनी है, सुपरफ्लॉस एरर्स को हटाना है, तो इनके साथ ये दिखे तो नहीं लगेगा। ऑलराइट, अब लास्ट वन में आ जाते हैं, रूल नंबर 50 क्या कहता है कि टू कंपैरेटिव्स और टू सुपरलेटिव डिग्रीज कैन नॉट कम टुगेदर एज द सेंटेंस बिकम सुपरफ्लॉस। वही बात है कि दो कंपैरेटिव डिग्रीज या सुपरलेटिव डिग्रीज एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं। कैसे नहीं आ सकते, देखो ही इज मोर फास्टर देन हिज ब्रदर। अब देखो मोर फास्टर, जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, है ना, या फास्ट, या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, मोर फास्ट, मोस्ट फास्ट। लेकिन जो सेकंड वाला है ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा हम नहीं लिखते हैं। जिसके साथ हम ESTER नहीं लगा सकते हम उसी के साथ मोर मोस्ट लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कंपैरेटिव डिग्री में या तो मैं मोर लगाती हूँ या तो मैं ER लगाती हूँ, है ना, और जहाँ ER लग सकता है वहाँ ER, जहाँ ER नहीं लग सकता वहाँ पर मोर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ देखो मोर भी दिया है ER भी दिया है, मतलब ये गलत, यहाँ से मुझे मोर हटा देना। ही इज़ फास्टर दैन, आगे जो भी दिया है, ही इज़ द मोस्ट बेस्ट, देखो क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम जनरली मोस्ट लगाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर हम ESTER नहीं लगा सकते। बेस्ट ऑलरेडी एक सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ मैं मोस्ट क्यों लगाऊंगी, है ना। तो जो कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी ER में है उसके साथ मोर नहीं लगता, जो सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी ESTER फॉर्म में है उसके साथ हम मोस्ट नहीं लगाते क्योंकि सेंटेंस क्या हो जाता है, सुपरफ्लॉस हो जाता है, और सुपरफ्लॉस सेंटेंसेस हमेशा एरर वाले होते हैं, तो उसको आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थे आज की क्लास के हमारे टोटल 50 रूल्स आज तक के हमारे हो गए। हम नेक्स्ट जो 5 क्लासेस होंगे हमने 50 रूल्स और कवर करने हैं, एंड येस उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लाऊंगी ताकि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है हमको समझ में आए। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। और मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक ज़रूर करना सो दैट आई कैन सी कि आप लोगों को एक्चुअल में मेरी वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है। सो टेक केयर, बाय।